जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने से मैंने हेल्थ पे काफी ज्यादा यूट्यूब पे फोकस किया है और मैंने यूट्यूब पे हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देना स्टार्ट किया है। तो जितना भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ है और मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है हेल्थ के सेशन से और खुद मैंने देखा है एक बेहतरीन लोगों को रिजल्ट मिल रही है डाइट फॉलो करके। और डाइट फॉलो कोई व्यक्ति कर रहा है तो देखिए, सबका ऑर्गन्स पार्ट अलग अलग होती है, ठीक है। किसी को बेहतरीन रिजल्ट आती है तो किसी को धीरे धीरे रिजल्ट आती है। तो बहुत सारे लोगों का एक सिंपल से ही क्वेश्चन है, जब भी हम किसी को वेट लॉस का डाइट प्लान देते हैं तो वजन कितना दिन में कम हो जाएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है। देखिए, वजन कम आपका कैसा होगा वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके ऑर्गन्स पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका शरीर किस तरह से वर्क कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबको अलग अलग तरीका से रिजल्ट आता है। किसी का 3 से 4 केजी मंथली का वेट लॉस होता है तो किसी को 5 से 6 केजी का होता है। लेकिन नॉर्मल तरीका से बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं, अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो आपको सिंपल तरीका से 3 से 4, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 5 केजी से ज़्यादा वेट लॉस नहीं करने चाहिए मंथली में, क्योंकि आपका वजन एक दिन में बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। वजन बढ़ने में आपको काफ़ी समय लगा है आपके शरीर का वेट, ठीक है। देखिए, हमारा फैट से ही रिलेटिव हमारा वेट बढ़ता है। जिस प्रकार हमारे बाहरी आवरण में फैट दिखता है, ठीक है, उसी प्रकार हमारे किडनी लिवर में भी फैट जमा होता है। इस चीज़ को हम स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा शरीर में विजरल फैट एंड फैट होता है। तो देखिए, इस स्लाइड के माध्यम से कि कैसा टाइप का इंसान का फैट बढ़ने के बाद में बॉडी दिखता है। बाहरी चर्बी के रूप में पूरा पेट बाहर हो जाता है, ठीक है, जिसमें लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है। और यहाँ पर इंसान का जब भी पेट बाहर होता है ना, तो इंसान को ना तो अच्छे से लाइफ स्टाइल इंजॉय कर पाता है, ना अच्छे से कपड़ा पहन पाता है और बहुत सारे समस्याएं इंसान के सामने आता है, जैसे कि नॉर्मल से बीपी, शुगर, थायराइड। तो यहाँ पर देखिए, ये यही है विजरल फैट, ठीक है। ये जो येलो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये विजरल फैट, ये हमारे गलत खान पान की ही वजह से होती है। जब हम पिज्ज़ा, बर्गर, बहुत ज़्यादा फैटी वाली चीज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा रूप में कैलोरी इंटेक करते हैं और हम खर्च नहीं करते हैं, तो हमारा विजरल फैट बढ़ता है। और विजरल फैट बढ़ने के कारण ही इंसान को बीपी, शुगर एंड थायराइड और हार्ट अटैक की समस्याएँ आना स्टार्ट होती है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी अपने शरीर को ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी चीज़ को खाए जाते हैं उसमें क्या चीज़ें हम बिल्कुल भी ध्यान देते नहीं हैं। और ये हमारे घर के नॉर्मल थाली से ही मिलती है, क्योंकि हमारे नॉर्मल थाली में बहुत सारे केमिकलों का भी प्रयोग है और केमिकलों के साथ साथ तो हम तेल, मैदा वाली चीज़, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट मिलता है अपने को, वो सब चीज़ हम लेना स्टार्ट कर दिए हैं अभी की स्थिति में। और बस यही कारण है, मतलब सीधी से बात है, हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से हम ये सब चीज़ का सामना कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान देने योग्य अभी की स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को, विजरल फैट एंड फैट को ध्यान नहीं देंगे ना, तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों की सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड और ना जाने कितने सारे आपको बीमारी जकड़ लेगी। मोटापा से 130 से भी ज़्यादा बीमारी, खतरनाक बीमारी आपको हो सकती है और उस चीज़ को आपको सामना करना पड़ेगा। एक वेलनेस इंडस्ट्री होता है, एक इलनेस इंडस्ट्री होती है, ठीक है। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, जो डाइट प्लान सेट करता है, खाने पीने के बारे में बताता है कि आप ये सब चीज नॉर्मल से खाना में बदलाव करके आप अपना हेल्थ में बदलाव ला सकते हैं। और एक इलनेस इंडस्ट्री होती है जो बीमार पड़ने के बाद हमको जाना पड़ता है, वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बहुत सारे मेडिसिन का प्रयोग और बहुत सारे केस में तो ऑपरेशन की स्थिति आ जाती है, मात्र ये विजरल फैट के बढ़ने पर। हम लोग नॉर्मल तरीके से अपने डाइट में सेट करके, डाइट सेट करके हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव ला सकते हैं। विटामिन्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स वाली चीज़ अगर हम लेना स्टार्ट करें ना, तो हमको एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सकती है। लेकिन ये चीज़ आपको कौन जानकारी दे सकता है, नॉर्मल से हेल्थ एंड वेलनेस कोच, जो एक्सपीरियंस है।
जैसे कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ और उनकी डाइट प्लान सेट करता हूँ। और नॉर्मल थाली में हमारे बहुत सारा कैलोरी है, तो ये कैलोरी को आप धीरे धीरे करके कट करके आप अपने डेली रूटीन में अच्छा खाना लाकर हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि 60% हर चीज़ को मिलाकर अगर हम चलते हैं ना, तो हम हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। एक डाइटिशियन से आप अपना डाइट सेट करा लीजिए और उस चीज़ पे अमल कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने से आपके इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहेगा और आपका कैलोरी भी खर्च होगा। और हर चीज़ को आप ध्यान दोगे उस कि हमको अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए और हमको क्या क्या करना चाहिए। तो वर्कआउट एक्सरसाइज इज बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर हम प्रतिदिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, ठीक है। इसमें इसके वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहती है और हमारे सेल्स, जो बॉडी की सेल्स है ठीक, वो एक्टिव रहती है। और आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा सेल्स एक्टिव रहेगा ना, उतना ज़्यादा आप हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए वर्कआउट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि हम करते ही नहीं हैं। आज ही से ही स्टार्ट कीजिए वर्कआउट, ठीक है। जिम जाना है तो जिम जाइए, ठीक है। घर में अगर समय मिल रहा है तो घर में कीजिए। और भी एक्टिविटी है जिसमें आप कैलोरी खर्च कर सकते हो, जैसे कि साइकिलिंग है और रनिंग है, ऐसे टाइप के बहुत सारे कुछ जिस एक्टिविटी को करके अपना कैलोरी को बर्न कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक है हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हो, योगा का भी सहारा ले सकते हो, जिसमें आपका माइंड एकदम से एक्टिव रहेगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और हेल्दी लाइफ स्टाइल हम अपने खाने पीने में बदलाव ला कर ही कर सकते हैं। अगर आप देखिए, अब दिन में 5 टाइम खाइए, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाइए और विटामिन्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स वाली चीज़ खाइए, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से आपको विटामिन्स मिल सके, फाइबर मिल सके, ठीक है, और आल तरीका से न्यूट्रिशन मतलब शरीर को मिल सके। जैसे कि नॉर्मल तरीका से हम एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं, गाड़ी को चलाने के लिए उसमें फ्यूल चाहिए, ठीक है, पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए मोबिल की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और न्यूट्रिशन की वैल्यू अगर हम कंटिन्यू हमारे शरीर को दे रहे हैं तो हम मोटापे से दूर हो सकते हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके आपके बॉडी से विजरल फैट भी कट जाएगी, जिससे आपकी ऑर्गन्स पार्ट, शरीर की ऑर्गन्स पार्ट भी एकदम से हेल्दी तरीका से हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच। और नए नए सेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपने बॉडी से रिलेटिव, हेल्थ से रिलेटिव जानकारी मिलती रहेगा।